हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। मैं पंडित इसके मिस लाख प्रयास के बाद भी आप लोग का सम्मान ठीक ठाक नहीं चल रहा, रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, प्रेम में प्रगाढ़ता खत्म हो रही है। एक ऐसे सुगंध के बारे में यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, इसका लेप शरीर पर निरस्त होकर लगा लें, उसके बाद देखिएगा अगला तन मन धन से आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी दीवानी हो जाएगी। युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका लड़के लड़कियाँ कोई भी इसको करेंगे और किसी को भी अपने वशीकरण पास में सम्मोहन पास में बांधने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्रद्धा भाव और विश्वास साथ एक एक स्टेप को आपको बारीकी सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। क्या करना है, इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है जो आसानी से आपको जड़ी बूटी की दुकानों पर मिल जाएगी और नहीं मिलती है तो हमारे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पर आप हमसे मैसेज करें। किसी युवक युवती स्त्री पुरुष किसी को भी अपने आकर्षण पास में वशीकरण पास में सम्मोहन पास में बांधना चाहते हैं या बांधना चाहते हैं, एक बहुत ही चमत्कारिक और असरदारी प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाला हूँ। यह प्रयोग अपने आप में इतना चमत्कारिक प्रयोग है, इतना असरदारी प्रयोग है, इसको एक बार आजमाने के बाद आप देखिएगा एक नहीं अनेकों, यदि आप युवक हैं तो युवतियों को, युवती हैं तो युवकों को अपने आकर्षण पास में सम्मोहन पास में बांध सकते हैं, आप बांध सकते हैं। प्रायः हमारे शास्त्रों में सुगंध का वर्णन आता है, अपने देह में एक ऐसा लेप लगा दें, एक ऐसा सुगंध लगा लें, शास्त्रों में इसे कहते हैं देह रंजन। मात्र यह करने से यदि आप युवक हैं तो युवती को आकर्षित कर लेते हैं, लड़के हैं तो लड़की को आकर्षित कर लेते हैं, यदि आप युवती हैं तो युवक को आकर्षित कर लेते हैं, लड़की है तो लड़के को, यानी मेल फीमेल सबके लिए एक ऐसा अमोघ एक ऐसा दिव्य प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मात्र इसको अपने शरीर में लगा करके देखिएगा अगला क्षण भर में पल भर में अपना सूध बूध खो करके आपके आकर्षण पास में वशीकरण पास में सम्मोहन पास में बंध जाएगा या बन जाएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक बहुत असरदारी प्रयोग है, मगर श्रद्धा भाव विश्वास का होना अनिवार्य है और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो तुरंत ही आपको सफलता मिलेगी और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा समय लग सकता है। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो सर्वप्रथम अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। इसके लिए अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और अपने घर बैठे जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या का समाधान हमसे करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज करें, कृपया फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि ना करें। जब भी कोई प्रयोग करें तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं आपको हर्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है, इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। इसमें जिन चीज़ों को सकता है उसमें है चंदन, उसीर, करंज के पत्ते और कोल व बहेड़े के मिंगी, अगर और नाग केसर, इन सबको समान मात्रा में लाना है।
अगर ये सब समान मात्रा में ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, इन सब को ला करके पीस करके शरीर पर इसका लेप लगाने से शरीर की दुर्गंध हटने के साथ साथ शरीर में एक वशीकरण खुशबू जागृत हो जाएगी, और फिर जिसके सामने आप जाएंगे या जाएंगी वह पल भर में क्षण भर में आपका दीवाना हो जाएगा या दीवानी हो जाएगी। धन्यवाद। राम राम।